जैसा कि आपको मालूम है, रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो डाले थे जिसमें मैंने पेटीएम के ओल्ड वर्जन के ऊपर बताया था, लॉगिन करके आपके अगर सिम में बैलेंस नहीं है, ओटीपी बेस लॉगिन करना है तो आप इजीली लॉगिन कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे पेटीएम ऐप का, अपना यूज़ कर सकते थे, अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते थे। बट रिसेंटली पेटीएम ने अपने पुराने जितने भी वर्जन थे, लास्ट में बताया 9.1.1, पेटीएम ने सबको बंद कर दिया है। अगर सीधे भाषा में कहें तो पेटीएम ने अपने सारे ओल्ड वर्जन को अब एक्सेस में नहीं रखा है, यानी अब आप उस पर लॉग इन नहीं कर सकते। रिसेंटली मेरे जो वीडियो पिछले देख के आप लोगों ने लॉग इन किया था, अब वो आप लॉग इन कर रहे हो गए तो प्लीज़ अपग्रेड द ऐप कहने को आ रहा होगा। तो अब वो भाई लोग क्या करेंगे जिनका पहले ओल्ड वर्जन में लॉग इन हो रहा था, लेटेस्ट वर्जन की सिम खो गया है, बहुत सारा कारण है, नहीं है बैलेंस, नहीं है टीसी है, कहीं बाहर रहते हैं, ओटीपी वगैरह भी कभी झोल रहता है, नहीं लॉगिन कर सकते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि अब आप ओल्ड वर्जन में एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब रहेगी बैलेंस रह गया है सिम में, आपका रिचार्ज नहीं है, ओल्ड इस पर सेंड करके जो लॉगिन होता है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप मेरा ये वाली वीडियो मैंने बनाया था, इस पर मैंने बताया था किस किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, उस तरीके बताते हो उसे आप देख सकते हो। अब बताते हैं कि आपको अगर अपना, जैसे कि मान लीजिए आपने पेटीएम यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे गूगल पे यूज़ कर रहा है, पेटीएम एक्सेस से लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन फ़ोन पे गूगल पे से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आपको पेटीएम ऐप का ज़रूरत इसलिए क्योंकि आप अपना ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, कहाँ से कितने रुपये आए और किस किस चीज़ के लिए गए, और आपका एटीएम कार्ड जो वर्चुअल एटीएम कार्ड होता है उसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पेटीएम का एक एप्लीकेशन अभी है जो वर्क कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, उससे कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हो। वो कौन सा, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। एप्लीकेशन है पेटीएम पेमेंट बैंक। अभी एप्लीकेशन कहाँ से मैं आपको बता दूँ, पेटीएम ने जब पेटीएम वॉलेट यानी कि एप्लीकेशन को अलग किया था और बैंक ऐप को अलग कर दिया था, तो एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसका नाम था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। लोग इसे पसंद नहीं किया, लेकिन ये एप्लीकेशन बनाया गया था, प्ले स्टोर पर आया था, मेरे पास ये अभी तक है और अभी भी इसे एक्सेस पेटीएम दे रखी है। लोग पसंद आया, फिर से दोनों को एक कर दिया गया और फिर से पेटीएम पे ही सारा चीज़ मिलने लगा। सिंपली इस ऐप को ओपन करोगे, इस पर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी रिक्वायर है, आप अपना मोबाइल नंबर जिसे लॉगिन करना चाहते हो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करोगे, आप देख लेना यहाँ पर प्रोसेस लिया जाएगा और ये अभी तक डिसेबल नहीं किया गया है पेटीएम की तरफ से, और यहाँ पर आपका ओटीपी रिक्वायर हो जाएगा। देखिए ओटीपी नॉर्मल यूज़ पेटीएम कोड ऐसे बोल के आएगा, और सिंपली आप इसे प्रोसेस कर दोगे ओटीपी के साथ तो आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाए। जैसे लॉगिन होगा आपको सिंपल इस प्रकार सा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, ना कि पेटीएम का पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है जो आपने सेट किया था पेटीएम को बैंक बैंक को ओपन करने के लिए, आप वहाँ पर डाल देंगे। जैसे पासवर्ड डालकर नेक्स्ट करेंगे, आपको जस्ट लाइक जब आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हो और बैंक से एक्सेस करना चाहते हो, जितनी सारी चीज़ दिखती है आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाए। जस्ट लाइक आपके डेबिट कार्ड, नीचे आओगे तो आपका अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और नीचे आओगे तो डेबिट कार्ड ब्लॉक ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, चेकबुक, रिटर्न चार्जेस वगैरह वगैरह यहाँ पे देखेगा, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को यहीं से मिल जाएगा। एंड ऊपर देखेंगे तो प्रोफाइल दिखेगा आपको, जैसे आपका नाम वगैरह, पासबुक को टैप करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन लेन देन किए हो, किससे कितना कितना लिए, कौन भेजा आपको, किसको आपने सेंड किया, कितने रुपए किया, वो हिस्ट्री दिख जाए। एडवर्टी टैप करोगे तो आपका अकाउंट डिटेल दिया जाता है नियर बाय, या फिर किसी को अकाउंट नंबर और IFSC कोड के थ्रू पेमेंट ले सकोगे। तो सिंपल सा बोले तो ये पेटीएम का पासबुक एप्लीकेशन हो गया, इससे आप अपने ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर पाओगे जिनका पेटीएम ऐप एक्सेस अब नहीं कर पा रहा है, सिम में बैलेंस नहीं है, आप मैनुअली इसमें रीड नहीं कर पा रहा है, तो ओटीपी बेस आप लॉगिन करके यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी फ़ोन पे गूगल पे बाकी दूसरी UPI एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे ट्रांजेक्शन करो। अगर आपको देखना है सिर्फ तो यहाँ से ये एक लास्ट जो है ऑप्शन है कि आप मॉनिटर कर सकते हो। बाकी अगर आपके पासवर्ड से लॉगिन करनी है, OTP मैनुअली नहीं हो रहा, तो किसी iOS iPhone का यूज़ करो, उस पर अभी भी पेटीएम सिम वेरीफिकेशन करके लॉगिन नहीं दिया है, डायरेक्ट ही OTP या पासवर्ड से लॉगिन करने दे रहा है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट करें जिसे मैंने बताया हूँ किस प्रकार से आप OTP या पासवर्ड से लॉगिन करके अगर जो पैसे वगैरह पड़े हुए, सिम खो गए, किसी इशू है, नहीं मिल रहा है वगैरह, जो भी आपकी इशू है वो वीडियो चेकअप करें। अगर आपके रिजल्ट मिलते हो ठीक है, अगर आपका सिम नहीं है ये वगैरह तो रिप्लेस करवा लो। लेकिन बंदे ने मुझे फ़ोन किया था सिम खो गया है, मैं रिप्लेस करवा लो, रिप्लेस 50 से 100 रुपये में हो जाते सिम,
आप इजिली एक्सेस कर पाओ। जिन भाई को दिक्कत था लेटेस्ट वर्जन को डिसेबल पीसी अभी डिसेबल कर दिया पेटीएम ने, पेटीएम के ओल्ड वर्जन को पेटीएम डिसेबल करते जा रहा है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना होगा। रही बात ट्रांजेक्शन मॉनिटर करने की, तो मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आई होप आपके ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वाली वीडियो चेकआउट करना है, आईफोन आईओएस कैसे लॉगिन करना, तो ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि 18 साल से कम उम्र का माइनर केवाईसी किस प्रकार की जाती है, उसके लिए आप ये वाली चेकआउट कर सकते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर, चैनल पर नए पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें।